जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ ए कंस्ट्रक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विथ कंस्ट्रक्टर्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अभी देखिए कंस्ट्रक्टर को क्या नहीं रहता है, रिटर्न टाइप नहीं रहता है बराबर। बट देखिए इन जावा इफ यू गिव द रिटर्न टाइप टू कंस्ट्रक्टर देन इट विल और देन इट इज कंसिडर एज अ मेथड। इन जावा इफ यू गिव द रिटर्न टाइप टू द कंस्ट्रक्टर देन इट इज कंसिडर एज मेथड। इज इट क्लियर? इट इज कंसिडर एज अ मेथड, राइट? मतलब सी प्लस प्लस में क्या होता था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप देते हैं तो व्हाट हैपन, एरर। बट यहां पे ऐसे नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, थिंक कीजिए, मान लीजिए कि मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा क्लास सी बराबर, यस और नॉट, पब्लिक क्लास सी सी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहां लिखिए स्ट्रिंग ऑफ एक्स। सो अगर हमने यहां पे लिखा सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, आई एम कंस्ट्रक्टर, यस और नॉट, और यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं हेलो, तो अभी ये कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। बट मान लीजिए अगर मैंने वाइड सी लिखा तो, और मैंने अगर इसका भी ऑब्जेक्ट बनाया सी ऑफ सी वन इक्वल टू न्यू ऑफ सी, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, बोलिए क्या आएगा आंसर? अभी आपको कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। देखिए जावा सी 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 एफ डॉट जावा सी सी क्यों नहीं आएगा आउटपुट? क्योंकि ये फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है क्या? नहीं है। तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। इज इट क्लियर माय पॉइंट? अगर आप ये हटाएंगे तो ये क्या बनेगा? तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो आपको यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा सी वन डॉट क्या, फाइल को सेव कीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप दिया तो वो, ऐसा नहीं है कि जावा के अंदर आप एक चीज बोल सकते हैं कि जावा में फंक्शन का नाम और क्लास का नाम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। सिर्फ फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है समझ में कैसे आएगा? जिसको रिटर्न टाइप रहा वो फंक्शन माना जाएगा, जिसका रिटर्न टाइप नहीं रहा वो कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नॉट? क्लियर?